सभा क्षेत्र का दौरा भी किया, व्यवस्थाओं को देखा। तो ये वो 50 खास तस्वीरें हमने आपको दिखाई जो पूरे दिन निकलकर सामने आई। पूरे दिन हमने मेगा कवरेज भी दिखाया, बताया कि किस तरीके से आम से लेकर खास लोग तक पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं और अपने कीमती मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, सभी ने पोलिंग बूथ पर पहुंच करके अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और सबसे बड़ी बात रही कि लोगों ने जागरूकता का परिचय दिया। खासतौर पर झालापाटन से बीजेपी उम्मीदवार वसुंधरा राजे ने मतदाताओं का आभार आज प्रकट किया है। वसुंधरा राजे ने शांतिपूर्ण तरीके से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रदेशवासियों के साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं और खासकर नए मतदाताओं का आभार प्रकट किया है। बिल्कुल, उन्होंने दावा किया है कि प्रदेशवासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और विकास और विश्वसनीयता पर मुहर लगा दी है। और अब हम आपको कुछ मतदान से जुड़ी और अच्छी तस्वीरें दिखाते हैं। किस तरीके से मतदान की ये जो तस्वीरें सामने आई, आज दिन भर मतदाताओं में जोश उत्साह देखने को मिला और यही वजह है कि राजस्थान ने बढ़ चढ़ करके अपनी भूमिका निभाई है इस महापर्व में। झालावाड़ की बात कर लेते हैं, जहां पर दूल्हा और दुल्हन ने मतदान किया, तो वहीं जयपुर में 94 वर्षीय एक महिला मतदान केंद्र तक पहुंची। और इससे पहले आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने भी मतदाताओं को जागरूक किया, मतदाताओं ने भी जागरूकता का परिचय दिया। दिन भर आज प्रदेश ने वोटिंग की प्रियंका और बढ़ चढ़ करके वोटिंग में हिस्सा लिया और यही वजह है कि लोगों के उत्साह की वजह से, जोश की वजह से मतदान का जो प्रतिशत है इस बार काफी बड़ा हुआ है। बिल्कुल, और इसी को लेकर खास रिपोर्ट हमने तैयार की है, दिखाते हैं। ये ढोल नगाड़ों की तस्वीर देखकर आपको क्या लग रहा है? आपको जरूर शादी का माहौल लग रहा होगा, लेकिन ऐसा है भी और नहीं भी, क्योंकि सवाल जीवन का और जिम्मेदारी का है। जहां भीलवाड़ा में एक दूल्हा बारात ले जाने से पहले मतदान केंद्र पहुंचा, ढोल नगाड़ों के साथ परिवार के लोग थिरकते हुए उसके साथ मतदान केंद्र तक गए और अपना वोट देकर अपनी जिम्मेदारी को निभाया। मैं चाहता हूं कि ये विकास पूरा आगे बढ़ता रहे। नहीं, आप वोट डालने आए हैं पूरी बारात, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट, मतलब आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं वोट? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं कि मैं अपना पहले शहर का विकास, प्रदेश का विकास और अपने देश का विकास करने के लिए पहले मैं वोट देना चाहता हूँ, फिर मैं आगे अपनी ड्यूटी पूरी करना चाहता हूँ। शादी कहाँ जाएगी बारात? भागोत जाएगी, तो वहाँ तो इंतजार कर रहे होंगे आपका। बिल्कुल इंतजार करें, लेकिन ये जरूरी काम है मेरे लिए, वोट मेरे लिए सबसे पहले जरूरी है। वहीं दौसा के खेडली में भी शादी के तुरंत बाद दूल्हा वोट डालने मतदान केंद्र पहुंचा और लोगों से मतदान करने की अपील की। इस बार मरुधरा के चुनाव में युवा, बुजुर्ग, दिव्यांग, किन्नर सभी ने लोकतंत्र के पर्व में जमकर मतदान किया है। सभी का जोश हाई दिखा। जयपुर के सांगानेर की ये बुजुर्ग महिला तो देश के पहले चुनाव से वोट डाल रही है। आज आप 2023 में वोट डालने जा रहे हैं, आप पहला वोट आपने कब डाला था? 1952। देखिए, बोल नहीं पाते हैं लेकिन वोट की ताकत समझते हो आप क्या है? बहुत बढ़िया है साहब। क्या कुछ कहोगे राजस्थान के वोटरों को? अच्छे कहेंगे और बढ़िया कहेंगे। आपके साथ कौन कौन वोट डालने आया है? मेरे पोता, पड़पोता, पोती और वो बेटा, बहू, पोते की बहू, सब आई है साहब, पोती। अरे, आपको यहाँ पे वोट डलवाने के लिए कौन लेके आया है? आपकी बहू लेके आई है या पोते की बहू? पोते की पड़पोती लेके आई है। अच्छा। वहीं तस्वीरों में दिख रहे इन युवा वोटरों को पहली बार वोट देने पर खुशी है। खुशी इतनी कि मानो कोई बड़ी जंग जीत ली हो। झुंझुनू में तो पहली बार मतदान के लिए आने वाले मतदाताओं का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। मतदान केंद्र पर केक भी काटा गया और सभी को मतदान दिवस की शुभकामनाएं भी दी गई। पहली बार वोट दिया है और देश में एक अच्छी सरकार के लिए मैंने अपना अमूल्य वोट दिया है। अच्छा है और मैं अपनी लाइफ का फर्स्ट वोट दे रही हूँ।
तो मैं, मेरे दिमाग में यही है कि मतलब जिसने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है या फिर जो डेवलपमेंट के सपोर्ट में है उसी को वोट जाना चाहिए। तो मैं इसीलिए अपना पहला वोट एकदम सोच समझ के किसी अच्छे नेता को देने वाली हूँ। मेरा नाम स्नेहा रंगा है और मैंने आज फर्स्ट वोट दिया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं भी मतलब की सरकार चुनने के मतलब की लायक हो चुकी हूँ। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मैं सभी महिलाओं को कहना चाहूँगी, आप सभी को भी जागरूक होकर वोट देना चाहिए और अपने मतलब कि जो सरकार है उसको चुनना चाहिए अच्छे से, सबको वोट देना चाहिए। मेरा नाम राधिका ओझा है, मैंने आज फर्स्ट बार मतदान किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा मतदान करके, और सबको मतदान करना चाहिए। अब हम आपको एक अनोखा वोटर दिखाते हैं, आप इसके कद पर मत जाएं, इसका जोश और इसका हौसला देखिए। ये राजस्थान का सबसे छोटा वोटर है, बांसवाड़ा के तेजपुर के रहने वाले कमलेश की हाइट सिर्फ 2 फीट ही है, लेकिन ये पहली बार वोट डालने आया है। पहली बार वोट डालने पर काफी उत्साहित भी है। हालांकि दिव्यांग वोटरों ने भी मतदान करने में बड़ी दिलचस्पी दिखाई है। व्हील चेयर पर परिजनों के साथ पहुंचे दिव्यांगों का जोश हाई दिखा, उन्होंने पूरे उत्साह के साथ मतदान किया। अब आपको हम कुछ और तस्वीरें भी दिखाते हैं। ये तस्वीर कोटा और अजमेर की है, जहां किन्नर समाज ने भी सामूहिक रूप से मतदान किया। कोटा में 33 किन्नरों ने एक साथ मतदान किया। जिला परिषद CEO ममता तिवारी ने सभी ट्रांसजेंडर्स मतदाताओं का माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं अजमेर में भी किन्नरों ने एकजुट होकर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया। आज हमको मतदान से लेके तो इतना उत्साह है कि हम बता नहीं सकते। हमारी दिवाली, ईद, जो भी इंडियन फेस्टिवल है, जो भी त्यौहार है, वो सारे त्यौहार एक आज एकत्रित हो गए हैं। हम लोगों को ये जो वोट डालने का अधिकार मिला है, इससे हम लोगों की पहचान हुई है किन्नर समाज की, कि हम लोग भी इंडियन हैं, भारतीय लोग हैं, भारत के लिए जीते हैं, भारत के लिए मरते हैं। और भारत की सरकार चुनने का जो हमको अधिकार मिला है, किन्नर समाज को वोट डालने का अधिकार है, उसकी तो खुशी हम कह ही नहीं सकते। कितनी खुशी है हम लोगों को। लोकतंत्र के इस पर्व पर मतदाता को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। लोगों ने वोट के अधिकार को जिम्मेदारी मानते हुए मतदान किया और जो तस्वीरें आपने देखी थी वो उसकी ही एक वानगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18 राजस्थान। तो वहीं चूरू में शीतला चौक बूथ संख्या 127